तो इस मूवी के स्टार्ट में हम एक शिप दिखाई जाती है जिसकी कैप्टन के पास एक बोलने वाला रेट है जिसका नाम रोज क्यूरो है कैप्टन उसे बताता है कि आज हम एक किंगडम में जाने वाले हैं, जहाँ का सूप पूरी दुनिया में काफी फेमस है रोज क्यूरो भी दूर से आती हुई सूप की खुशबू से काफी एक्साइटेड होता है और जल्दी उनकी शिप उस किंगडम में पहुँच जाती है वहाँ पहुँच वो देखते है की आज रॉयल सूप डे मनाया जा रहा है जहाँ एक रॉयल शेफ हर साल की तरह आज भी मजेदार सूप बनाने वाला है यहाँ पर हम देखते है की सूप बनाने का ज्यादातर प्रोसेस ऑटोमेट है जिसमे अलग अलग जगह ऐसी वेजिटेबल्स आकर एक बड़े ऐसी बर्तन में गिर रही है तभी वहाँ आरोप रॉयल शेफ आता है और सूप को टेस्ट करके कहते है की अभी भी इसमें कुछ कमिया है उधर किंग और क्वीन अपनी बेटी यानी प्रिंसेस के साथ मिलकर इस साल के सूप का नाम अनाउंस करते हैं जो रॉयल डिनर के बाद पब्लिक को दिया जाएगा सूप की खुशबू सुनकर रोज क्यूरो खुद को रोक नहीं पाता और वो कैप्टन को छोड़कर महल के अंदर चला जाता है उधर रॉयल शेफ सूप को और अच्छा बनाने के लिए एक बुक निकालता है और तभी वहाँ कुछ बर्तन और खाने की चीजें मिलकर एक जीनी बन जाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये जीनी ही है जो सूप को अच्छा बनाने के लिए उसकी हेल्प करता है यहाँ उनके मस्ती करने में एक वाइन की बोतल सूप के अंदर गिर जाती है और तब वो देखते हैं कि ये उनका आज तक बनाया गया सबसे मजेदार सूप है फिर वो शेफ उस सूप को रॉयल फैमिली को सर्व करता है और यहीं पर हम देखते हैं कि रोज क्यूरो सबकी नज़रों से बचते हुए अंदर पहुँच गया है अब जैसे ही क्वीन सूप को टेस्ट करने लगती है ऊपर बैठे रोज क्यूरो का बैलेंस खराब हो जाता है और वो क्वीन के सूप वाले बाउल में आकर गिरता है एक रेड को अपने सूप वाली बर्तन में देख कर कुछ को काफी बुरा फील होता है वो इतना शॉक शॉकड तो जाती है की उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है तब किंग जल्दी ऐसी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है की वो उस रेड को पकड़ ले तब रोज क्यूरो बचता हुआ किचन में आ जाता है वहाँ वो एक विंडो ऐसी देखता है की कैप्टन शिप को लेकर चला गया है वहाँ ऐसी और तभी सोल्जर फिर ऐसी रोज क्यूरो के पीछे पड़ जाते हैं तब भागते भागते रोज क्यूरो एक सीवर के पास आ जाता है और सोल्जर से बचते हुए वो नीचे गिर जाता है वहाँ उसकी मुलाकात रिमोर्सो से होती है जो अंडरग्राउंड में रहने वाली रेड वर्ल्ड का लीडर होता है और वो रोज क्यूरो को अपने साथ ले जाता है उधर किंग अपनी वाइफ की मौत की वजह से सूप आरोप बैन लगा देते हैं साथ साथ वो रेड्स को भी इलीगल कह देते हैं उनकी इस फैसले का असर टाउन के एटमोसफेयर पर पड़ता है क्योंकि वहाँ पर धूप निकलना बंद हो जाती है बारिश होने का भी कोई इम्कान नहीं था जिसकी वजह से वहाँ की जमीनें बंजर होने लगती है अब प्रिंसेस भी अपने टाउन की ऐसी कंडीशन देख कर काफी परेशान हो जाती है और सूप ना बनने की वजह से शेफ का जीने भी उसे छोड़कर चला जाता है फिर यहाँ शिफ्ट ठोकर किचन में बने माउस वर्ल्ड पर आता है जहाँ पर एक माउस जो की काफी घबराया हुआ है और वो अपने घर जा रहा है बाद में पता चलता है कि उसके यहाँ एक बेबी पैदा हुआ है जिसके कान बाकी चूहों के मुकाबले काफी बड़े हैं तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका माउस बेबी सबसे अलग है और वो उस बेबी माउस का नाम डेस्प्रो रख देते हैं और फिर जल्द ही देखते ही देखते डेस्प्रो बड़ा हो जाता है और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि उसका नेचर बाकी माउसेस के मुकाबले बिल्कुल अलग है क्योंकि वो खतरों का सामना करने की कोशिश करता है ना कि उनसे डरता है और उसकी सुनने की पावर भी बाकियों के मुकाबले में काफी अलग है अब उसके पेरेंट्स भी इस बात की वजह से काफी वरीड होते हैं इसीलिए वो उसकी टीचर को कहते हैं कि वो उनके बच्चे पर ज्यादा फोकस करे अब स्कूल में भी डेस्प्रो बाकियों के मुकाबले काफी अलग बिहेव करता है और पता चलता है की उसका सबसे बड़ा ड्रीम उस बड़े ऐसी को अंदर ऐसी देखना है यानी की रेड वर्ल्ड में जहाँ पर रेड रहते हैं फिर यहाँ ऐसी सीन शिफ्ट होकर रेड वर्ल्ड में आता है जहाँ पर हम रोज क्यूरो को अकेला ही घूमता हुआ देखते है बाद में हमें पता चलता है कि उसे यहाँ की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ पर वो नोटिस करता है कि कैसे रिमोर्स हो, बाकी बाकी रेड्स को को कंट्रोल करता है और वो रोज क्यूरो को भी चूहों की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता है रोज क्यूरो यहां पर बाकी चूहों की की तरह गुलाम बनकर नहीं बल्कि बाहर आजाद जिंदगी जीना चाहता है और इसीलिए वो अपने बिल में बने होल से आती हुई रोशनी को देखता रहता है उधर माउस वर्ल्ड में प्रिंसिपल डेस्प्रो के पेरेंट्स को बताते हैं कि उनका बेटा दिन ब दिन और चेंज होता जा रहा है यानी वो और निडर बनता जा रहा है और वो उन्हें अपने बड़े बेटे की हेल्प लेने के लिए कहता है इन्हें डेस्प्रो के भाई की अपने पेरेंट्स के कहने पर डेस्प्रो का बड़ा भाई उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे ये दिखा सके कि नॉर्मल माउस कैसे बिहेव करते हैं तो वो लोग किचन से निकलकर महल में बनी एक काफी बड़ी लाइब्रेरी में आ जाते हैं इस जगह को देखकर डेस्प्रो को काफी अच्छा फील होता है डेस्प्रो का भाई उसे बताता है कि कैसी माउसेस का काम इन बुक्स को खाना है लेकिन डेस्प्रो तो वहाँ पर एक स्टोरी बुक पढ़ने लगता है ये स्टोरी एक ऐसे नाइट के बारे में थी जो महल में फंसी प्रिंसेस को बचाने के लिए जाता है अब डेस्प्रो खुद को उस नाइट की जगह इमेजिन करने लगता है अब देखते ही देखते काफी दिन गुजर जाते हैं और स्टोरी में खुद को नाइट इमेजिन करना डेस्प्रो की रूटीन बन जाता है क्योंकि डेस्प्रो खुद भी उस नाइट की तरह एक बहादुर वॉरियर बनना चाहता है और वो ये भी सोचता है कि काश उसे भी किसी प्रिंसेस को बचाने का मौका मिल जाए फिर एक दिन महल में घूमते हुए उसकी नजर किंग और क्वीन की बेटी इन्हीं प्रिंसेस पर पड़ती है तब डेस्परो हिम्मत करके प्रिंसेस से बात करने के लिए जाता है प्रिंसेस भी इतने क्यूट से चूहे को देख कर काफी इमेस और काफी हैरान होती है तब उसकी बातें सुनकर उसे अंदाजा हो जाता है की वो एक जेंटलमैन माउस है यहाँ पर डेस्परो इस प्रिंसेस को भी उस नाइट और प्रिंसेस की कहानी सुनाता है तब यहाँ पर प्रिंसेस डेस्परो से पूछती है की वो प्रिंसेस आखिर उस महल से कैसे निकली तब यहाँ पर डेस्परो उससे प्रॉमिस करता है कि आगे की स्टोरी पढ़कर तुम्हें सुनाने जरूर आऊंगा इसके बाद यहीं पर हम एक मेड दिखाई जाती है जिसका नाम मीक होता है जो पास के एक फार्म में अपने अंकल के साथ रहा करती थी और बचपन से ही मीक को प्रिंसेस बनने का बहुत शौक था और महल को देख कर वो अक्सर सोचा करती थी की काश वो वहाँ पर पहुँच जाए फिर एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है क्यूँकी महल में उसे मेड की जॉब मिल जाती है उधर डेस्प्रो के पेरेंट्स को उसके प्रिंसेस से मिलने का पता चल जाता है तब डेस्प्रो के फादर फौरन इस बात को माउस काउंसिल को बता के लिए कहते हैं ताकि वो इसका कोई सलूशन निकाल सके अब डेस्प्रो रूटीन के मुताबिक लाइब्रेरी में अपनी स्टोरी पढ़ने के लिए जाता है और तभी काउंसिल मेंबर्स वहाँ पर आकर उसे स्टोरी पढ़ते हुए पकड़ लेते हैं अब यहाँ पर डेस्प्रो के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और इंसानों से बात करने और रूल्स को तोड़ने के जुर्म में उसे माउस वर्ल्ड से निकाल दिया जाता है तब वो लोग उसे एक माउस के पास भेज देते हैं जो डेस्प्रो को सीवर की गहराइयों में भेज देता है डेस्प्रो अंधेरे रास्तों से होता हुआ डार्क सेल्स में आ जाता है और देखता है कि कुछ रेड वहाँ के जेलर को परेशान कर रहे हैं लेकिन तभी उस जेलर की आंख खुल जाती है जिसे रेड्स तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन डेस्प्रो पकड़ा जाता है यहाँ पर डेस्प्रो उस जेलर को भी अपनी प्रिंसेस और नाइट वाली स्टोरी सुनाता है लेकिन गुस्से में वो जेलर उसे भी रेड्स के बीच में फेंक देता है तब रेड्स उसे पकड़ कर अपनी अरीना में ले आते हैं जहां रिमोर्सो डेस्प्रो के साथ अपना एक खतरनाक गेम खेलने वाला है वो अपनी कैद की हुई एक कैट को उस पर छोड़ देता है तब डेस्प्रो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और तभी रोज क्यूरो की नजर उस पर पड़ जाती है लेकिन इससे पहले की रिमोर्सो डेस्प्रो को मारने का ऑर्डर देता रोज क्यूरो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि इस माउस को मैं खाना चाहता हूँ यहाँ पर रिमोर्सो को भी ऐसा फील होता है की फाइनली रोज क्यूरो भी उनके जैसा ही बन गया है इसीलिए वो डेस्प्रो को उसके हवाले कर देता है तब रोज क्यूरोप्रो को अपने बिल में ले आता है और कहता है की तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फिर वो डेस्प्रो ऐसी उसकी स्टोरीज के बारे में पूछता है और बहुत जल्द उनकी दोस्ती हो जाती है उधर प्रिंसेस जो कि काफी उदास होती हैं वो उस मेड मिक की काफी इंसल्ट करती है तब गुस्से में आकर मेक प्रिंसेस का क्लाउन चुरा लेती है इसके अलावा भी उसने प्रिंसेस का और भी काफी सामान चुराया होता है जिनकी मदद से वो खुद को एज अ प्रिंसेस ट्रीट करती है और तभी मिक के रूम में उसकी सीनियर मेड आ जाती है और वो मिक की ऐसी हरकतों को देख कर उसे सेल्स में खाना पहुँचाने का काम दे देती है तब मेक उस जेलर को उसका खाना देती है लेकिन वो खाने को ये कहकर फेंक देता है कि ये टेस्टी नहीं है तब गुस्से में आकर मेक उससे कहती है कि मैं तुम्हारी नखरी नहीं झेल सकती क्योंकि मैं सिर्फ प्रिंसेस के काम करती हूँ तब यहाँ पर उस जेलर को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है और बाद में पता चलता है कि गरीबी की वजह से उसे अपनी छोटी सी बेटी को किसी और को पालने के लिए देना पड़ा और वो भी अपनी बेटी को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझता था और यही वजह है की अब उसे प्रिंसेस नाम से नफरत हो गई है इसीलिए वो प्रिंसेस सुनकर चिढ़ जाता है अब ये सारी बातें रोज क्यूरो भी सुन लेता है तब मेक को देख कर उसे एक आइडिया आता है और वो डेस्परों को बताता है कि टाउन में जो उदासी हुई है उसकी वजह मैं ही हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से को इनकी जान गई और वो प्रिंसेस से मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता है इसीलिए वो मिक्की ड्रे में छुप कर उसके साथ चला जाता है और वो किसी तरह करके प्रिंसेस के रूम में आ जाता है तब तो प्रिंसेस समझती है की शायद ये उसका वो जेंटलमैन चूहा है लेकिन जैसे ही रोज उसके सामने आता है तो प्रिंसेस उसे पहचान लेती है और डरते हुए चिल्लाने लगती है अब रोज क्यूरो हालांकि उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस उसकी एक नहीं सुनती और वो चिल्ला कर अपने गार्ड्स को बुला लेती है अब रोज क्यूरो तरह उनसे बचकर तो निकल जाता है लेकिन अब उसे भी प्रिंसेस से नफरत हो जाती है और इसीलिए अब वो प्रिंसेस से अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहता है इसीलिए वो चुप कर सीधा जाता है मेक के पास और उसे भड़काता है की अगर प्रिंसेस उसके रास्ते से हट जाए तो मेक वहाँ की प्रिंसेस बन सकती है ये सुनकर मेक भी उसकी बातों में आ जाती है अब यहाँ पर हमें पता चलता है की मेक असल में वही बच्ची है जिसे उस जेलर ने किसी को पालने के लिए दिया था यानी कि मिक उस जेलर की ही बेटी है इसके बाद वो दोनों प्रिंसेस के पास पहुंचते हैं और उसे बांध कर अपने निजी बेसमेंट में ले आते हैं अब डेस्प्रो को भी प्रिंसेस के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है और वो देखता है की एक जेल में प्रिंसेस के साथ साथ मिक भी कैद है वही पर उसे नीचे बहुत सारे रेड नजर आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं की कैसे रोज क्यूरो उनके खाने के लिए दो इंसानों को लेकर आया है अब डेस्प्रो किसी तरह उन रेड से बचता हुआ प्रिंसेस के पास पहुंचता है प्रिंसेस उसे अपना एक लॉकेट दे कर उसे उसके फादर यानी किंग के पास जाने के लिए कहती है तब डेस्प्रो किसी तरह वहाँ से निकल कर आगे बढ़ता है जहाँ कुछ ट्रैप से बचते हुए प्रिंसेस का लॉकेट वहीं पर गिर जाता है लेकिन तभी उसकी नजर सामने रूम में बैठे हुए किंग पर पड़ जाती है अब डेस्प्रो किंग को काफी बताने की कोशिश करता है लेकिन किंग का तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता और इसीलिए डेस्प्रो हेल्प मांगने के लिए अपनी फैमिली के पास जाता है वहाँ पर भी सारे लोग उसे कोई भूत समझते हैं तब उनका ध्यान अपनी तरफ करने के वो वहाँ पर लगी हुई एक बेल को बजा देता है और बैल की आवाज उस शेफ को भी सुनाई देती है जो सूप न बनाने की वजह से काफी अपसेट होता है और उसे अपनी चारों तरफ काफी सारी वेजिटेबल्स दिखाई देती है लेकिन तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो कुछ सोच कर दोबारा से सूप बनाने लगता है अब सूप की खुशबू जैसे ही आसमान तक जाती है वहाँ पर फिर से बारिश होने लगती है और अब उस शेफ का जीनी भी वापिस आ जाता है और वो दोनों मिलकर सूप बनाने लगते है और तभी वहाँ पर आ जाता है डेस्प्रो और वो उन दोनों से प्रिंसेस को बचाने के लिए हेल्प मांगता है लेकिन वो शेफ उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो विंडो से बाहर बदलते हुए मौसम को देखता है लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है उसे पता चलता है कि जीनी डेस्प्रो के साथ प्रिंसेस की मदद करने के लिए गया है उधर रिमोर्सो रोज क्यूरो ऐसी बहुत खुश होता है और ऐसे शो करवाता है कि आज सिर्फ रोज क्यूरो की वजह से ही वो एक प्रिंसेस को खाने वाले है अब ये सब कुछ जीनी और डेस्प्रो भी देख लेते हैं लेकिन वहाँ पर रेड्स की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं जिसकी वजह से जीनी टूट कर बिखर जाता है इसके बाद आगे हम जेलर को देखते हैं जिसे जेल में बंद मेक दिखाई देती है और मेक की गर्दन आरोप बने हुए टैटू को देख कर, जेलर समझ जाता है की ये उसी की बेटी है उधर जीनी भी डेस्परों को कहता है कि प्रिंसेस की हेल्प के लिए तुम चले जाओ क्योंकि रिमोर्सो के रेड प्रिंसेस को खाने वाले हैं। अब रिमोर्सो खाने की बेल बजाने के लिए रोज क्यूरो को कहता है लेकिन जैसे ही रोज क्यूरो प्रिंसेस की आंखों में देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है इसीलिए वो बेल बजाने ऐसी साफ इनकार कर देता है तब ये कर गुस्से में रिमोर्सो खुद ही उस बेल को बजा देता है अब सारे रेड्स प्रिंसेस को खाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं लेकिन तभी वहाँ पर डेस्प्रो भी आ जाता है और वो प्रिंसेस को बचाने के लिए वहाँ पर कैद उस कैट को आजाद कर देता है जो देखते ही देखते सारे रेड्स को वहाँ से भगा देती है अब डेस्प्रो भी बिल्कुल एक नाइट की तरह सारे रेड से लड़ने लगता है लेकिन तभी रिमोर्सो वहाँ पर आकर डेस्प्रो को पकड़ लेता है और तभी बाहर टाउन के लोग फर्स्ट टाइम धूप को वहाँ पर निकलते हुए देखते है जिसकी लाइट प्रिंसेस के लॉकेट से रिफ्लेक्ट होकर उस बेसमेंट में आ जाती है तभी देख कर रिमोर्सो काफी घबरा जाता है तभी रोज क्यूरो की नजर वहाँ पर रखे एक मैग्नीफाइंग ग्लास पर पड़ती है और वो उसके रिफ्लेक्शन से रिमोर्सो को नीचे फेंक देता है वहाँ रिमोर्सो उस कैट से बचने के लिए उसी के पिंजरे में घुस जाता है जिसका दरवाजा बाद में प्रिंसेस बंद कर देती है जिसकी वजह से रिमोर्टो मारा जाता है उस कैट के हाथों और वहाँ पर सनलाइट देख कर सारे रेड्स अपने अपने बिलों में भाग जाते हैं आगे सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस रोज क्यूरो को माफ कर देती है और बाद में मिक भी अपने फादर यानि ज्वेलर को पहचान लेती है महल में वापस आने के बाद प्रिंसेस मेक को अपना क्राउन पहनाकर दिखाती है लेकिन बाद में हम जान पाते हैं कि मेक अब अपने फादर के साथ फार्म में रहना चाहती है इसके बाद किंग को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है इसीलिए वो अपने सूप और रेड्स को इलीगल बनाने का कानून वापिस ले लेते हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज क्यूरो एक बार फिर से दुनिया के शहर के लिए निकल गया है और डेस्प्रो प्रिंसेस का दोस्त बनकर उसी टाउन में रहने लगा है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड होती जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग